फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना अभिषेक चौहान, और आज शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो की, जिसका नाम आपने पढ़ ही लिया होगा कि YouTube चैनल स्टार्ट कैसे करें और कैसे हम कमाई करें, वही होता है सबके लिए। तो चलिए मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और मैंने कैसे एक YouTube चैनल स्टार्ट किया, और कैसे मैं आज यहाँ तक पहुँचा, और क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या चीज़ें मैंने फेस की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक YouTube चैनल बना सकते हैं। अगर आपका एक YouTube चैनल नहीं है तो आपको सिंपल एक काम करना है कि आप इस चैनल को, अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब हो गया तो समझे आपका YouTube चैनल पहले से बना हुआ है। उसके बाद क्या बात आती है, उसके बाद बातें आती हैं कि यार कंटेंट क्या अपलोड करें। तो आप ना एक फील्ड में जाइए, या मेरी तरह कर दी, मतलब कुछ भी जो भी अच्छा लगे वो अपलोड करिए, क्योंकि चैनल तुम्हारा है और सब्सक्राइबर्स तुम्हारे हैं, तो आपको प्यार करते हैं तभी तो सब्सक्राइब किया है। रेगुलरिटी बना के रखनी है कि आप कुछ भी अपलोड, और बीच बीच में अपने सब्सक्राइबर्स से जुड़े रहिए, उनको बताते रहिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों वीडियो नहीं आ रही है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं तो वीडियो नहीं आ रही थी, और अभी भी एग्ज़ाम्स हैं, तो बीच बीच में आपसे मिलता रहूँगा। पर अब बात करते हैं YouTube चैनल बनाने के बारे में। तो YouTube चैनल आपका तैयार हो गया बनके, अब क्या करना है, अब आपको एक फील्ड चूज़ करना है जिसमें आपको जाना है। मतलब ये तो नहीं ना कि आपको डिसाइड करना है कि आपको बस में जाना है या ट्रेन में जाना है, कहीं एक बार तो जाना पड़े, ऐसा तो नहीं ना कि एक पैर बस में रखोगे एक ट्रेन में रखोगे तब जाओगे। तो आपको सिंपल ये चूज़ करना है कि आपको एक टेक यूट्यूबर बनना है, आपको एक व्लॉगिंग करनी है। कर सारे काम सकते हो, पर आप एक चुनिए जो आप अच्छे से कर सकते हो। चलिए मान लिया मैंने कि आपको एक टेक यूट्यूबर बनना है, तो आपको करना क्या है, आपको रेगुलर वीडियो तो अपलोड करनी है। तो आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें नई आ रही हैं, ट्रेंडिंग में जो चल रही है, कौन सा फ़ोन नया आया है, कौन से स्पीकर्स नए आए हैं, क्या क्या चीज़ें नई आई हैं, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, उन्हीं के बारे में आपको पब्लिक को दिखाना है जो आप देखना चाहते हैं। और हमेशा याद रखें कि अपने कमेंट बॉक्स को ज़्यादातर चेक करते रहें कि कैसे क्या डिमांड है पब्लिक की, क्या देखना चाहते हैं, कौन सा स्पीकर, कौन सा फ़ोन अनबॉक्स कराना चाहते हैं। तो चलिए इतनी बात तो हो गई, अब मैं बताता हूँ कि प्रोसेस क्या क्या होते हैं। तो जैसे ही आप YouTube की दुनिया में पैर रखते हो तो सबसे पहले आपकी बात होती है कि यार मैं कमाई कैसे कर पाऊँगा, मतलब यहाँ से कमाई कैसे होगी। तो कमाई की वो बता देता हूँ मैं आपको, प्रोसेस क्या क्या होता है, कहाँ आप मोनेटाइज होते हो, मोनेटाइजेशन किसे बोलते हैं वो मैं बताता हूँ। मोनेटाइजेशन एक ऐसा फेज़ होता है जब आप अपना जो YouTube का क्राइटेरिया होता है वो पूरा कर चुके होते हैं, और उसके बाद आपके चैनल पे ऐड आने को ही मोनेटाइजेशन बोलते हैं। मतलब सबसे पहले चीज़ क्या होती है मोनेटाइजेशन में, मोनेटाइजेशन जैसे ही आप अनेबल करेंगे तो आपको चाहिए होगा कि 1000 आपके पास सब्सक्राइबर होने चाहिए, आपकी वीडियो 4000 घंटे व्यूअर्स ने देख ली हो। ये एक वीडियो नहीं, सारी वीडियो मिला के आपकी 50 वीडियो हैं, 100 वीडियो हैं, जब 4000 घंटे आपकी वीडियो देखी जा चुकी होगी, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा। उसके बाद ये नहीं होता कि डायरेक्ट आपकी वीडियो पे ऐड आना शुरू हो जाएंगे, ऐसे तो कोई भी कर लेगा भाई, कोई भी मूवी अपलोड कर दे तो उस पर भी आ जाएंगे सब्सक्राइबर तो। पर फिर उसके बाद होता है रिव्यू प्रोसेस, उसके बाद ये होता है कि आपका काम पूरा हो गया, अपने 4000 घंटे पूरे कर लिए, आपका सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए, उसके बाद आपका जो चैनल है वो सीधा YouTube जाता है रिव्यू के लिए। रिव्यू में वो सब चेक करते हैं, मैनुअली सब चेक करते हैं कि ये जो आया है बंदा ये कुछ करने के लिए यहाँ आया है या बस मज़े करने के लिए आया है, जो सब्सक्राइबर मिल गए इसको। कोई भी वीडियो, एक वीडियो पे सारे सब्सक्राइबर भी नहीं आने चाहिए, एक ही सिंगल वीडियो पे सारे व्यूज़ नहीं आने चाहिए, मतलब सारे मिला के अगर हो रहे हैं 4000 घंटे तो अच्छा रहेगा, वरना ये नहीं कि एक वीडियो आपने अपलोड की उस पे ही 4000 घंटे व्यूज़ हो गए, जो दूसरी वीडियो है उन पे एक मिनट भी व्यू नहीं है, उस पे भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। दूसरी बात, अगर मोनेटाइजेशन आप ऑन करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है कि जैसे मैं आपके सामने बैठ के वीडियो कर रहा हूँ, ऐसे काम करिए, ऐसे दुनिया को दिखाइए सारी चीज़ें, तब जाके आपका चैनल जल्दी मोनेटाइज होगा। मेरा चैनल जो था, जो आप देख रहे हो ये चैनल आपका, और इसको मोनेटाइज होने में लगे थे करीब 15 या 20 दिन, इतने में ये हो गया था। और दूसरी बात, जो आप ये ना व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह डाल देते हैं वीडियो के अंदर, और ये सब चीज़ें डाल देते हैं, मतलब ये है कि आपको कहीं से भी कोई चीज़ कॉपी नहीं करनी है, सब कुछ अपना कंटेंट रखना है। उसके बाद आपको जो नहीं करना, मोनेटाइज के टाइम पे नहीं करना, अगर कोई भी ऐसी वीडियो है जो कॉपीराइट आ रही है जिस पे, या कोई वीडियो ऐसी है जो कॉपीराइटेड है, या कोई वीडियो ऐसी है जिसको मोनेटाइजेशन आपको भी लगता है कि इसका मोनेटाइजेशन नहीं होगा, उसको आप जल्दी से जल्दी हटा दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है आपके चैनल को। तो चलिए मोनेटाइजेशन आपका अनेबल हो जाता है YouTube से, उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद होता है कि हमारे पैसे कैसे आएंगे भाई। तो पैसे कैसे आएंगे वो सुनिए,
तो पैसे ऐसे आएंगे कि आप जब मोनेटाइजेशन जब अनेबल हो जाता है, इसका मतलब है कि आपके जितने भी वीडियोज़ हैं उन सबके ऊपर आपके एड्स आने लगेंगे। जो आप देखा था ना, आपने जब वीडियो शुरू की थी वो ऐड देखा था, ऐसे ऐड आना शुरू हो जाएंगे, वही आपका मोनेटाइजेशन है, वही आपको पैसे दिलाएंगे। तो ये जो मोनेटाइजेशन, ये एड्स, ये पैसे, ये सब जो आते हैं ये एडसेंस से आते हैं। एडसेंस ही पैसे देता है, एडसेंस ही सारी वेरिफिकेशंस वगैरह कराता है। मैंने वर्ड बोला ना वेरिफिकेशन, तो चलिए मैं बताता हूँ वेरिफिकेशन क्या होता है। आपका अकाउंट जो होता है वो एडसेंस पे आप बना लें, मतलब जहाँ मोनेटाइज होता है वहीं एडसेंस का अकाउंट आता है, वहाँ से आप अपना एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है एडसेंस अकाउंट बनाना तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको सारा प्रोसेस अच्छे से समझा दूंगा, जैसे इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ तो क्या वेरिफिकेशन क्या होता है। वेरिफिकेशन ये होता है कि जब एडसेंस के अकाउंट में आप $10 कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब वो जो सारे एड्स चल रहे थे ना, उन सारे एड्स की कमाई जब $10 हो जाती है तो आपको पैसे भी भेजने हैं, आपने काम किया तो आपको मिलने चाहिए। तो फिर जो एडसेंस होता है वो वेरीफाई करता है आपको कि आप हो भी या नहीं हो। तो उसके बाद आप जहाँ से भी रहने वाले हो, आप इंडिया से हो तो आपके 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी वोटर आईडी, ये लगानी आपको ज़रूरी होती है। तो जब आपके अकाउंट में $10 हो जाते हैं उस टाइम पे एडसेंस में जहाँ पेमेंट वाला ऑप्शन होता है वहाँ पे एक ऑप्शन खुलता है कि आपकी पेमेंट अभी होल्ड पे है, तो अगर आप अपने आप को वेरीफाई कीजिए तो आपकी पेमेंट हम रिलीज़ करेंगे। रिलीज़ जो पेमेंट होती है वो होती है $100 पे। फिर आप क्या करेंगे कि कोई भी अपना एक फ़ोटो खींचेंगे, जैसे आपका एक आधार कार्ड है, आधार कार्ड ऊपर रखिए नीचे रखिए, उन दोनों फ़ोटोज़ को मिला दीजिए, कोई आधार कार्ड की अच्छे वाली फ़ोटो, बढ़िया वाली फ़ोटो एक खींचिए और वो उस पर वहाँ अपलोड कर दीजिए। तो अगर आधार कार्ड आप अपलोड करोगे तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा 1-2 दिन में। अगर और कोई सी आईडी अपलोड करोगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैंने अपना आधार कार्ड अपलोड किया, 2 दिन बाद मुझे मेल आई कि आपका वेरिफिकेशन जो है वो हो गया है, अब क्या प्रोसेस है। उसके बाद आपको एडसेंस एक पिन भेजता है, जो आप एड्रेस नीचे दिए होते हैं ना उसमें आपको एक पिन भेजता है एडसेंस, वो 3-4 नंबर का पिन होता है। मेरा अभी नहीं आया, जब मेरा आएगा मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसीलिए चैनल पे बने रहिए। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन तो दबा ही दो, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। पिन में आपको ज़रूरी क्या होता है, पिन जब आप डालते हो उसमें आपको कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कि आपको एक स्विफ्ट कोड होता है वो आपको डालना पड़ता है, अपना एड्रेस डालना पड़ता है, वो सारी चीज़ें डालने के बाद आपका जो पिन है वो आपको आता है। अब बात करें स्विफ्ट कोड क्या होता है। स्विफ्ट कोड एक कोड ऐसा होता है बैंक का, आपकी जो भी आपकी ब्रांच है, जो पास में आपका जो भी बैंक है उसका एक स्विफ्ट कोड होगा। अगर नहीं है तो उसकी जो हेड ब्रांच होगी ना उसका एक स्विफ्ट कोड होगा। बेसिकली स्विफ्ट कोड काम आता है किसी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए काम आता है स्विफ्ट कोड, क्योंकि जो विदेशी जो भी पैसा आता है, जो भी खजाना आपका विदेश से आएगा वो सारा पहले आपके स्विफ्ट कोड पे आएगा, वहां से आप वेरीफाई कराओगे अपने आप को तब जाके आपके अकाउंट में आएगा। ऐसे कोई पैसा नहीं भेजता कि आप ऐसे ही वहाँ से पैसे भेज दिए तो डायरेक्ट आ जाएंगे, आपको स्विफ्ट कोड चाहिए होगा तब आपको यूट्यूब पैसे देगा। उसके बाद आप वो जो पिन आएगा अपना एडसेंस वाला पिन, वो अपने अकाउंट में डालिए, मतलब वहीं एडसेंस के अकाउंट में जहाँ वेरिफिकेशन था वहाँ लगाइए। उसके बाद आप फ्री हैं, आप जितना मर्जी फिर पैसा कमाएं, जितना मर्जी आप रिडीम करें, पर जो आपकी पहली पेमेंट होती है वो $100 होती है, मतलब बढ़ सकते हैं ज़्यादा, पर YouTube से आप जब रिलीज़ कर सकते हैं पेमेंट, एडसेंस से आप जब रिलीज़ कर सकते हैं पेमेंट, जब आपके अकाउंट में $100 हो जाएं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मुझे लगा है काफ़ी लंबी वीडियो होगी है, तो आप बस प्यार दीजिए इतना ही जैसे आप प्यार दे रहे हैं, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट करें अगर वीडियो कैसी लगी है। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।